नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, देश की शिक्षा जगत की बहुत बड़ी और ताजा खबर आ रही है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो चुका है, संसद की मंजूरी मिलते ही होगा इस लागू। देश के सभी शिक्षक, पालक, छात्र जरूर देखें, क्योंकि ये आपके काम की खबर है। तो आइए जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है, संसद की मंजूरी मिलते ही होगा लागू। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है, संसद से मंजूरी मिलते ही नई शिक्षा नीति देश में लागू हो जाएगी। दुनिया में इतने बड़े विचार विमर्श के बाद यह पहली ऐसी शिक्षा नीति होगी जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए हैं। इस शिक्षा नीति में गाँव, पंचायत, शिक्षाविदों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, छात्र और अभिभावकों से भी राय ली गई है। देश एक तरफ कोरोना से लड़ रहा था तो लॉकडाउन में शिक्षक ऑनलाइन छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे। दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों के छात्रों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह बात देश के सभी 45,000 कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों के साथ चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलना विषय पर आधारित लाइव वेबिनार में कही। निशंक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए इनको अच्छी शिक्षा और इनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी मुश्किल हालात में शिक्षकों के चलते ही छात्र शिक्षा से जुड़ रहे हैं। असल मायने में शिक्षक भी कोरोना वॉरियर हैं। अगर किसी शिक्षक को किसी प्रकार की शिकायत या दिक्कत हो तो वह UGC के शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क करें। इसके अलावा मंत्रालय से भी संपर्क कर सकते हैं। स्वयंप्रभा चैनल दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा प्लेटफॉर्म। निशंक ने कहा कि हमने ऑनलाइन शिक्षा को काफ़ी मजबूत बनाया है और स्वयंप्रभा चैनल दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा प्लेटफॉर्म बन गया है। दीक्षा और ई पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म हैं ही, लेकिन इसके बाद भी दूर दराज इलाके में रहने वाले छात्रों को नेट की और मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, तो हम उन्हें दूरदर्शन से TV के माध्यम से जोड़ रहे हैं। रेडियो के माध्यम से भी उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर रहने वाला कोई छात्र पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। फाइनल ईयर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। निशंक ने कहा कि पहले वर्ष के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार और दूसरे वर्ष के छात्रों को पहले वर्ष के रिजल्ट के 50% और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। हालांकि जुलाई या अगस्त में जब भी परीक्षा होगी उस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।